आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा विधायक निधि से तैयार कराया गया मानसिक आरोग्य शाला में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण हो चुका है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मानसिक आरोग्य शाला पहुंच ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मानसिक आरोग्य शाला में दक्षिण क्षेत्र के विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट की लागत लगभग 29 लाख रुपए की है। इस प्लांट से 20 बेड्स पर ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति 95 लीटर प्रति मिनट की जा सकेगी। साथ ही इस प्लांट के लगने से मानसिक आरोग्य शाला में ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिलेगा। प्लांट खोलने का विचार आया और मैंने तुरंत अपने विधायक निधि से इसके लिए लगभग 29 लाख रुपए अवमुक्त कराने का एक लेटर लिखा, जिसके तहत अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है। मानसिक चिकित्सालय एक आगरे का प्राचीनतम चिकित्सालय है, तो यहाँ पर 20 बेड पे 2 वार्ड बनेंगे और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई इस प्लांट से दी जाएगी। इसमें अगर मानसिक चिकित्सालय का कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट होता है तो उसके लिए राहत है, और यदि कहीं पर ओवरलोड हो जाता है मरीजों का तो यहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे वहाँ से, जिससे कि यहाँ पर उनको पूरा ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा विधायक निधि से 29 लाख रुपए की निधि पास कर इस प्लांट को लगाने का संकल्प लिया गया था। आगरा मंडल में तैयार हुआ मानसिक आरोग्य शाला का प्लांट ऑक्सीजन के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करवाएगा। ये ऑन पेपर 100 LPM का ये प्लांट है, और 100 LPM का मतलब हुआ कि कम से कम 20 बेड का नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं, और ये सारे पेशेंट जो होंगे वो ICU या हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और 10 बेड पे हम इसमें बाईपैप या दूसरे वेंटिलेटर लगा करके, दूसरी मशीनें लगा करके एकदम ICU वाले जो पेशेंट होंगे, रिस्की पेशेंट होंगे, उनको हम यहाँ से ऑक्सीजन कैटर कर लेंगे। इसमें एक व्यवस्था हमने और भी करी है। आज माननीय विधायक जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के कार्यक्रमों द्वारा, उनके द्वारा प्रदत्त विधायक निधि से यहाँ 100 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का शुभारम्भ हुआ है। इस पावन पुनीत अवसर पर मैं संस्थान परिवार की तरफ से माननीय विधायक जी का हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा। और ये जो संस्थान है, विश्वविख्यात संस्थान है, उत्तर प्रदेश का मात्र एक मानसिक स्वास्थ्य के विषय में उत्कृष्टता संस्थान है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मानसिक आरोग्य शाला केंद्र पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान चिकित्सक संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर दिनेश राठौर सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक योगेंद्र उपाध्याय का कहना था कि वह अपनी और अपनी सरकार की ओर से कटिबद्ध हैं, आगे भी इसी प्रकार आगरा की जनता की सेवा करते रहेंगे। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।